तो कैसे हैं आप लोग भाई? बहुत टाइम के बाद, आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ के बाद हम वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आज आप लोगों ने टाइटल में देख के समझ गए होंगे वीडियो किसके रिलेटेड है। बहुत ही अच्छी टीम से आज हमें मिला, ज्यादा मतलब उनके बारे में मैं नहीं बताने वाला, आप लोग सब लोग जानते हैं उन्हें। सेल्फी लगाई है, कुछ उनके बारे में बात करेंगे बाद में। बताऊंगा उनका नेचर कैसा लगा, कैसा था। मतलब एक होता है ना फेम वाले यूट्यूबर्स, बहुत सारे आप लोगों ने अभी पीछे कॉन्ट्रोवर्सीज देखी होंगी कि बात नहीं करते, नॉर्मली इंटरेक्ट नहीं करते। बट इनके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ आपने टाइटल में देख ही लिया है कि हम किसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आज हमारा जो कंपैरिजन है वो बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स के दो महंगे बर्गर्स और दो अच्छे बर्गर्स का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, इस फैमिली का हिस्सा बनो। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप मेरे इंस्टा चैनल पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिखाता हूँ कौन कौन से बर्गर हैं और कैसा टेस्ट करते हैं वो भी आपको बताएंगे। प्लस उन दोनों को ऑर्डर करने पे मेरा कितना खर्चा हुआ है मैं भी आपको वो भी बताऊंगा, उसका तरीका भी बताऊंगा, सस्ता कैसे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। हां जी, तो हमने दो बर्गर मंगाए, एक मैकडॉनल्ड्स का महाराजा बर्गर और दूसरा बर्गर किंग का वेज बुर्गर। तो उसको हम ट्राई करते हैं और आपको बताता हूँ एग्जैक्टली मुझे प्राइसिंग क्या पड़ी इन चीज़ों की और कितना डिस्काउंट पड़ा। तो पहले हम दोनों को निकालते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर प्राइसिंग बताएंगे और जो कुछ स्पेशल लोग मिले उनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो, ये महाराजा का मैकडी का महाराजा बर्गर है वेज, उसको हम रखते हैं। और इसके अंदर जो है कुछ टिश्यूज हैं और साथ में एक केचप है इतने बड़े बर्गर के साथ। यहाँ पे है हमारा बर्गर किंग का बर्गर, इसको भी खोल लेते हैं। इतना सील्ड पैक होता है ना भाई, थोड़ा सा जल्दी खुल जाता है ऐसे। यहाँ पे एक टिश्यू, मैकडी के बहुत सारे टिश्यू, वेल पैक्ड बर्गर, बहुत बड़ा डब्बा है। और कैचअप के नाम पे भाई इन्होंने भी दिया है एक कैचअप। तो आप देख पा रहे हो ये दो बर्गर है, बर्गर किंग मैकडी, मैकडी महाराजा, बर्गर किंग का वेज ऊपर है। अब इसको हम अगर खोल के दिखाएं तो डिलीवरी के अंदर थोड़ा सा ये खुल गया है, इसको हम अभी प्रॉपर निकालते हैं फिर दिखाते हैं क्या हालत है इसकी। और आपका यहाँ पे ये वेज ऊपर, तो दोनों को निकाल लेते हैं फिर टेस्ट करेंगे, आपको बताते हैं कैसा है। तो भाई हमारे सामने दोनों बर्गर हैं, ये महाराजा का बर्गर है मैकडी का और ये है आपका बर्गर किंग का। साइज में डिफरेंस है, बर्गर किंग बड़ा है, मैकडी ऐसे बड़ा है, बर्गर किंग ऐसे बड़ा है। थोड़ा सा फैल गया ये डिलीवरी के अंदर, थोड़ा सा जो भी रहा हो डोंट नो। तो आपको दिखाता हूँ, ये पूरा बन लेटिस के साथ, कुछ टमेटोज, कुछ इनका स्पेशल सॉस, एक चीज स्लाइस, नीचे टिक्की और उसके नीचे नाचोज है, देख सकते हो आप लोग, थोड़ा क्रिस्पीनेस के लिए जो कि सॉफ्ट हो गया। मैकडी का आप लोग पता है तीन बन होते हैं, दो टिक्की होती है, कुछ स्पेशल सॉस होते हैं, हेलोफिनो हो गया इसके अंदर, थोड़ा सा लेटिस है वही, फिर टमाटो और कुछ अनियन के पीसेस। मैं सॉस यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं बर्गर किंग का पहले वेज वो पर यूज करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, यूज नहीं टेस्ट सॉरी। बहुत बड़ा बर्गर है तो लेट्स ट्राई।
बहुत ही क्लासिक फ्लेवर, माइल्ड सा था, आपको कुछ अलग से हिट करने वाली चीज नहीं है, बहुत ही क्लासिक सा टेस्ट है, एक अच्छा फ्लेवर, एक अच्छी हीट आपको फील होती है खाने के बाद आपकी जबान पे, थोड़ा सा स्पाइसेस आपको फील होते हैं, तो कुछ भी अलग सा वैसा टेस्ट नहीं होगा, बट हाँ अच्छा लगा मुझे ये बर्गर, सॉफ्ट अच्छा बना है, अच्छा सॉफ्ट है, साइज बहुत बड़ा है भाई। अब ये ट्राई करेंगे हम मैकडोनल्ड्स का महाराजा, जिन्होंने पहले खाया होगा उनको पता ही है, ऑलरेडी एक कोट कर कवर करके देते थे, एक चीज़ें फैले नहीं, काफ़ी बड़ा होता है, तो मैंने उसको निकाल दिया, अब मैं उसको टेस्ट करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, ये तो उससे भी बहुत बड़ा है, बाइट कहाँ से करें, फिर भी चेयर्स। एज यूजुअल मैकडी का बन बर्गर किंग से अच्छा है। इसमें मैकडी में कुछ हैलोपिनोस के टैंगीनेस आपको फील होगी, सॉस बहुत ही फ्लैट है, बर्गर किंग का सॉस थोड़ा अलग फ्लेवर है, तंदूरी टाइप का जो टेस्ट आता है तो उस टाइप का सॉस है, इसकी वजह से दोनों में टेस्ट का डिफरेंस मिलेगा आपको, हैलोपिनोस की वजह से इसके अंदर आपको थोड़ी टैंगीनेस मिलेगी, तो उसको हम लास्ट में खत्म करेंगे, पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि इस पूरे दो बर्गर को ऑर्डर करने मैंने कितना पे किया, एक्चुअल प्राइस कितना है, और जोमेटो से ऑर्डर करने मुझे कितना डिस्काउंट मिला। तो पहले मैं आपको बिल दिखाता हूँ और फिर उसका डिफरेंस बताऊंगा आपको। तो ये है बर्गर किंग का बिल, क्लियर नहीं आ रहा है, ये बर्गर किंग का बिल है और ये है मैकडी का बिल। तो बर्गर किंग का जो एक्चुअल प्राइस है डिलीवरी का, विच इज अराउंड 155, ठीक है, और यहाँ पे जो मैकडी का है जो प्राइस पड़ा है ये पड़ा है 243 का, अगर क्लियर दिख रहा हो तो, नॉट श्योर। तो अब ये प्राइस आपके अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कितना हो गया जो बिलिंग आई है इसके ऊपर, 243, 155, ऑलमोस्ट 400। अब मैंने कितना पे किया वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाई देता हूँ, ट्विस्टेड ऊपर आई पेड 120 और महाराजा के लिए आई पेड अराउंड 164, अगर इसमें क्लियर दिख रहा हो तो आई पेड अराउंड 280 जो मैंने जोमेटो से ऑर्डर करके उस पर डिस्काउंट लिया। तो भाई आई प्रिफर्ड जोमेटो से आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट हाँ डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है इसके अंदर। तो ये रही हमारे टेस्ट की बात, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोनों, मुझे अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मैकडी से अच्छा मुझे बर्गर किंग का वो टेस्ट अच्छा लगा, जो उनके सॉस का टेस्ट है, मेयोनीज का टेस्ट है, या फिर जो भी वो सॉस यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मैकडी। मैकडी का हमेशा एक प्लस पॉइंट रहता है कि उनका जो बन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बर्गर किंग। टिश्यूज़ के मामले में भाई साहब मैकडी हमेशा एक्स्ट्रा दाग देता है। तो हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं रियल हिट्स के बारे में, रियल टाइम ब्लॉग्स पे रियल हिट्स के बारे में। हाँ जी, तो आज मैं जैसे मिला पीयूष से, शुभम से, दीपक से, दे आर रियली गुड यार, मतलब ऐसा किसी का वो अंदर से एक एटीट्यूड नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, लाइक 3.7 समथिंग सम सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी उनके पास हैं, दे आर मूविंग फास्ट, अभी उनका बहुत अच्छा शार्क टैंक के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो उनका आया, आप लोग जाके उनके चैनल पे देख सकते हैं, बट दे आर रियली काइंड पर्सन्स, ऐसा कुछ भी नहीं, एक एटीट्यूड जो आ जाता है लोगों में यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा, तो
आप उनके चैनल पर भी जाके वीडियो को देख सकते हैं, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो करें, डिटेल डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। और अगर आप यहां तक आए हैं वीडियो पे तो वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।